ऊर्जा और बहुउद्देशीय परियोजना मंत्री अनिल शर्मा ने बंजार के मोहनी गांव में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिजली बोर्ड उपभोक्ताओं से कनेक्शन के लिए कोई अतिरिक्त खर्चा वसूल नहीं करेगा। मीटर तक बिजली पहुंचाने के लिए सर्विस वायर और अन्य सामग्री बोर्ड ही लगाएगा। इसके लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ऊर्जा और बहुउद्देशीय परियोजनाएं मंत्री अनिल शर्मा ने बंजार के मोहनी गांव में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि दूरदराज क्षेत्रों में विद्युत कर्मचारियों की कमी दूर करने के लिए आईटीआई डिप्लोमाधारी युवाओं को आउटसोर्स पर तैनात किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऊर्जा विभाग में 800 टीमेट की भर्ती की जा रही है, जिससे प्रदेश के लोगों को बिजली बोर्ड के माध्यम से गांव-गांव में बिजली की सुविधा दी जा रही है। ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने बंजार विधानसभा क्षेत्र के मोहनी गांव में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत 2,33,00,000 रुपए की लागत से बनने वाले 33 KV विद्युत सब स्टेशन का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि इस सब स्टेशन के निर्माण से मंडी व कुल्लू जिला के सराज क्षेत्र की आधा दर्जन से अधिक पंचायतों की वोल्टेज समस्या दूर हो जाएगी। अनिल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने के लिए हिमाचल में सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। आम घरों में छोटे छोटे सौर संयंत्र लगाने के लिए सब्सिडी दी जा रही है। केवी सब स्टेशन का जो नींव पत्थर रखा गया, जिसकी लागत लगभग 3,30,00,000 से लागत से बन रहा है, और क्योंकि बंजार से 11 KV का फीडर जो यहाँ पर लाया जाता है दूर जंगलों के बीच से, जिसकी वजह से कभी हमारे प्रॉपर बिजली यहाँ पर नहीं पहुँच रही थी, तो इस 33 KV का हमारा बनने से 4 फीडर यहाँ से लगेंगे, और इससे जो है जो नज़दीक के हमारे बंजार क्षेत्र और मंडी क्षेत्र के हमारे जो गाँव हैं उसमें ठीक बिजली पहुँचे, उसके लिए यहाँ पर प्रयास करने का जो कोशिश की जा रही है कि हमारा जो रखरखाव की बात है, दूसरा जो हमारी बिजली पहुँचने की बात है, क्योंकि जंगलों से होते हुए बड़े बड़े पेड़ों के बीच से होती है हमारी लाइनें जो है गांव तक पहुँचाई जाती है, और कभी बर्फबारी होने से या कुछ पेड़ों को टूटने से हमारी जो है बीच में समस्या आती रहती है, और उसकी वजह से जो है कभी सर्दियों में कभी बरसात के अंदर जब हमारी बिजली का टूटना होता है, उसके लिए हमारा प्रयास है कि नई जगह सब स्टेशन बनाए जाए और लाइनों का विस्तार किया जाए, और दूसरे रूट पे एक रूट हमारा फेल होता है दूसरे रूट से हम बिजली ला सकें, उससे क्या है कि हमारे जो है बिजली को प्रॉपर पहुँचाने का प्रयास होगा। और दूसरा, मैन पावर की कमी हमारे प्रदेश के अंदर जहाँ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर है, अभी लगभग हमने 800 पोस्टें जूनियर टीममेट वगैरह की हमने और जेईस की हमने भर्ती शुरू की है, परंतु साथ साथ मैंने आदेश किए हैं बिजली बोर्ड को कि हमारे जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं आउटसोर्स बेसिस पे हम इनको जो आईटीआई जिन्होंने कर रखी है उनको हम गांव के अंदर ही उनको 8-10 ट्रांसफार्मर की जिम्मेवारी देकर उनको मेंटेनेंस का काम उनको दिया जाए, जिससे कि वो हमारे लाइनों को देख सकें और हमारे सुचारू रूप से बिजली चलाने का हम प्रयास करें। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।